प्रदेश के नंबर वन चैनल जी राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कोटा की। कोचिंग नगरी कोटा में कोचिंग के छात्रों का लापता होना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ताजा मामला है कोचिंग के एक ऐसे लापता छात्र का जिसे पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। लेकिन इसी बीच एक और खबर ये कि दूसरा छात्र लापता हो गया है। महावीर नगर से लापता कोचिंग छात्र मथुरा में मिल चुका है, ये पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। महावीर नगर से लापता हुआ कोचिंग का छात्र मथुरा में मिल गया है, लेकिन एक अन्य कोचिंग का छात्र लापता हो गया है। लापता दूसरे छात्र की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। महावीर नगर थाना पुलिस दोनों ही मामलों की जाँच कर रही है। जो मथुरा में कोचिंग का छात्र मिला है वो भी महावीर नगर थाना पुलिस ने ही ढूंढा है, और अभी जिस दूसरे छात्र को ढूंढा जा रहा है, लापता हुए छात्र को ढूंढा जा रहा है, वो भी महावीर नगर थाना पुलिस ही ढूंढ रही है। बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों ही छात्र, क्योंकि वो कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, और लापता हो रहे छात्र अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। मेरे सहयोगी कृष्ण कुमार मेरे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। कृष्ण कुमार, कई कोचिंग के छात्र हैं जो लापता हो रहे हैं, लेकिन जो छात्र मथुरा में मिला है, क्या उससे बातचीत में ये कारण पता लग पाया कि आखिर क्या कारण है कि इतने सारे कोचिंग के छात्र लापता हो रहे हैं? देखिए, ये छात्र मथुरा से दस्तावेज किया पुलिस ने, बड़ी चुनौती इस वक्त कोचा कोचिंग के छात्र बने हुए हैं, क्योंकि एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कुछ दिनों के अंदर कि छात्र नोट लेकर चले जाते हैं हॉस्टल से और वो कहीं ना कहीं देश किसी इलाके में चले जाते हैं, फिर पुलिस उन्हें तलाश करती है। अब सब 10 छात्र इस तरीके से लापता हो चुके हैं। ये जब छात्र कोटा पहुंचेगा, जब पुलिस इसे लेकर कोटा पहुंचेगी, उसके बाद में जानकारी हासिल हो पाएगी कि आखिर छात्र क्या चाहता है और किस वजह से इस तरीके का कदम उठा करके और हॉस्टल छोड़ के अचानक से चला गया। लेकिन फिलहाल एक छात्र दस्तावेज हुआ है, लेकिन दूसरा जो छात्र है वो वापस उसी थाना इलाके से एक और छात्र लापता हो गया है। महावीर नगर थाना इलाका पुलिस एक छात्र को लेकर के मथुरा से कोटा पहुंचने वाली है, तो दूसरी जो टीम है वो एक दूसरे अन्य छात्र की तलाश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस के लिए पूरी ये जो सीन है पूरा चुनौती से भरा है, क्योंकि छात्रों को सकुशल दस्तावेज करना एक बड़ी चुनौती होती है पुलिस के लिए। छात्र मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, पूरी टेक्निक का यूज करते हैं, उन्हें पता होता है कि मोबाइल से वो पकड़े जा सकते हैं, ऐसे में उनको तलाश करना एक वाकई बड़ा सरदर्द पुलिस के लिए होता है। लेकिन यहाँ भी तारीफ करनी हुई कोटा पुलिस की, छात्रों को भी पुलिस ने सकुशल दस्तावेज कर लिया है। कृष्ण कुमार, पुलिस से पूछताछ जब हो छात्रों की, तब ये क्लैरिटी मिल पाएगी क्या कारण है कि कोचिंग के छात्र लापता हो रहे हैं। कारण पर जरूर फोकस कीजिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा।